उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सयाना कोतावली क्षेत्र के माकड़ी गांव के पास रविवार की देर रात अचानक चलती रोडवेज बस में आग लग गई। बस में सवार ड्राइवर, कंडक्टर व यात्रियों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं कुछ यात्रियों का सामान बस में जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस कोतावली पुलिस ने यात्रियों को दूसरी बस से लखनऊ भिजवाया। कोतावली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। सयाना कोतावली प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार सीतापुर डिपो की रोडवेज बस के ड्राइवर परीक्षित ने बताया कि रविवार की शाम बस शहीदाबाद डिपो से लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। हाईवे मार्ग बंद होने के चलते ड्राइवर बस को लेकर सयाना नरसेना नहर मार्ग होते हुए मुरादाबाद की ओर जा रहा था। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से बस में आग लग गई। कोतवाल ने बताया कि बस में ड्राइवर कंडक्टर के अलावा लखनऊ सीतापुर की 92 सवारी थी। इसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, जिनको रात में ही बुलंदशहर डिपो की बस से लखनऊ के लिए रवाना किया गया। कोतवाल ने बताया कि ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस घटना की जांच कर रही है। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।